नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है, मैं आपके लिए नए नए प्लान्स नए नए डिजाइन्स इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा बढ़िया सा प्लान ला हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में उसका 3D फ्रंट इलेशन बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 3D फ्रंट इलेशन में कुछ चेंजेस करके कुछ ऑप्शन हमने बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके कुछ कलर ऑप्शन हमने बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर करने की कोशिश जरूर करें। इससे पहले स्क्रीन पर जो हमारे ऑफिस का नंबर है, अगर आपको भी प्लान की या डिजाइन की जरूरत है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, वो चार्जेस जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ते हैं। तो आज का प्लान जो है हमारे पास कस्टमर का प्लान आया था 3D फ्रंटिलेशन बनाने के लिए। तो ये प्लान जो है हमने नहीं बनाया था, हमारे पास 3D फ्रंटिलेशन बनाने के लिए कस्टमर ने भेजा था। ठीक है, तो 3D फ्रंटिलेशन समझाने के लिए ये प्लान मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन प्लान है। लेकिन आप देख सकते हैं ये प्लॉट जो है इस टाइप में, ये क्रॉस प्लॉट था, लेकिन हमने एलिवेशन जो है वो स्टेट के हिसाब से ही बनाया क्योंकि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रंट एलिवेशन ही बनाया था। तो देखिए यहाँ पर रोड है और बाकी यहाँ से एंट्री होती है स्टेयरकेस के नीचे से, यहाँ से एंट्री हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पर एक लॉबी दिया गया है, यहाँ पर एक ड्राइंग रूम दिया गया है, यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट टॉयलेट दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा किचन दिया गया है और पीछे जो है यहाँ पर एक बेडरूम और यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है। ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है और पीछे जो है यहाँ पर बेडरूम को पीछे साइड में ओपन डक्ट रखा गया है। ठीक है, तो वेंटिलेशन के लिए तो 25 फीट बाय इसका प्लॉट का साइज जो है आप थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ ताकि डायमेंशन और भी क्लियर नजर आ जाए। 25 फीट 1 इंच बाय 39 फीट 7 इंच का है, मतलब लगभग 25 फीट बाय 40 फीट का, इसे समझ लीजिए 25 फीट बाय 40 फीट में यह पूरा प्लान उन्होंने बिठाया। काफ़ी बढ़िया बेहतरीन प्लान बिठाया उन्होंने। और 3D फ्रंटिलेशन में जो है यहाँ पर एक डोर जो है यहाँ पर प्लान में जो डोर बताया है 3D फ्रंटिलेशन में यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, तो इस टाइप में ये पूरा प्लान उन्होंने हमारे पास भेजा था। अब इसका 3D प्रिंट एलिवेशन हमने किस टाइप में बनाया था एक बार देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप जो है उनका जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने इस टाइप में उनको 3D प्रिंट एलिवेशन बनाना के दिया था। उनका कहना था कि फ्रंट में हम लगभग 3 फीट की गैलरीज वगैरह ले सकते हैं, मतलब ऑफसेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 फीट का ऑफसेट बाहर गैलरी निकाली है और यहाँ पर जो डोर बताया गया है ये डोर उनके प्लान के अकॉर्डिंग हमने बनाया था। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि यह डोर जो है हमें कैंसिल करना है, तो उनको जो है बाद में चेंजेस करके डिजाइन बना के दिया था। और उनको ये जो डिजाइन है इनको पसंद नहीं आया था, मतलब उन्हें उनका कहना था कि ये डिजाइन जो है ज्यादा ओवर हो गई है, उनको बहुत ही सिंपल सा डिजाइन चाहिए था, मतलब कुछ भी डिजाइन नहीं चाहिए था उसको, बहुत ही सिंपल सा चाहिए था। तो उनके उन्होंने जो एक ऑप्शन में हमारे पास फोटोज भेजा था कि इस टाइप में हमको डिज़ाइन चाहिए, तो ये जो है इस टाइप में हमने उनको डिज़ाइन उनके फ़ोटो के अकॉर्डिंग ये टाइप में चेंजेस करके दिए थे। तो उनकी चॉइस के हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, तो ये जो फ्रंट वाला जो है फर्स्ट वाला जो है ये डिज़ाइन जो है हमने हमारे चॉइस के हिसाब से बनाया था, लेकिन उनकी चॉइस के हिसाब से ये जो इस टाइप में हमने डिज़ाइन बना के दिया था बहुत ही सिंपल। तो इसमें जो है कुछ कलर चेंजेस करके डिज़ाइन बना के दिया था। देखिए देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पर वॉल टाइल्स दिया गया है और यहाँ पर जो है सिंपल सा इस टाइप में यह डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक मेन गेट बताया गया है, उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉल टाइल्स यूज़ किया है, यहाँ पर भी एक सिंपल सा वॉल टाइल्स यूज़ किया है। तो इस टाइप में पूरा ये जो डिज़ाइन है इस टाइप में हमने बनाया था। तो ये देख सकते हैं डिज़ाइन में चेंजेस नहीं है और कलर ऑप्शन में आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप में पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था। आशा करता हूँ कि यह डिज़ाइन जो है आपको समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान और यह वीडियो जो है पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।